पंजाब असेंबली के अजलास से कबल डीजी पार्लियामानी अबूर पंजाब असेंबली राय मुमताज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब असेंबली के असेंबली के बाहर पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी हम इस वक्त असम्बली के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त पंजाब असम्बली के एतराब में सूरत हाल खासी कशीदा है। मेरे कैमरामैन आसिफ परवेज़ आपको दिखा सके तो ये गेट है पंजाब असम्बली का और यहाँ पर ये पंजाब असम्बली के मुलाजमीन हैं जो कि अंदर जाने की इजाज़त मांग रहे हैं। तमाम इन्हें भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम अभी रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर आया और वो भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है और पंजाब असेंबली के अतराफ के अंदर जो रास्ते हैं वहां पर भी जो है वो अब खारदार तारे और रुकावटें लगाकर जो है वो उनको बंद कर दिया गया है। पंजाब असेंबली के अतराफ में भी किसी को आने की इजाज़त जारी। गुज़श्ता रात जो है वो बाद जो है वो बड़ी कार्रवाई लाहौर पुलिस की जानिब से की गई जिसके अंदर जो है वो डी जी पार्लियामानी अमूर पंजाब असेंबली को जो है वो हिरासत में लिया गया। उनके घर वाले अभी तक यही कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया। पुलिस की नफरी मौजूद है मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो सामने रुकावटें लगाई गई हैं ताकि किसी कोई भी जो है वो पंजाब असेंबली के अतराफ में ना आ सके। अब से कुछ देर पहले आईजी पंजाब ने भी जो है वो पंजाब असेंबली के अतराफ का जो है वो दौरा किया, अपनी गाड़ी में वो मौजूद थे। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का बगौर से जा चुके हैं। अभी तक की सूरत हाल जो है यहाँ पर खासी कशीदा दिखाई देती है और यहाँ पर जो है वो किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तकरीबन 11 बजे का वक्त दिया गया था आज के इजलास के लिए। स्पीकर परवेज़ लाइव की सदारत के अंदर ये इजलास आज दिन 11 बजे होना था। अब ये सूरत हाल ये है कि अभी जो है तकरीबन 9:30 तक का वक्त जो है वो तकरीबन हो चुका है। अभी भी जो ना तो मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, पंजाब असेंबली के मुलाजमीन को उधर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तमाम जो गेट्स हैं वहाँ पर सूरत हाल खासी कशीदा है। पुलिस की नफरी को यहाँ पर इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात दिखाई दे रही है। जी जुनेद लग ऐसा ही रहा है कि इजलास जो है वो नहीं होने दिया जा रहा, तो आपकी बात हुई होगी, आपने बताया कि आईजी पंजाब भी जो है वो दौरे पर आए थे और वो भी अतराफ में गलियों का जो है वो मुआयना करके गए हैं। क्या कहते क्या हैं पुलिस वाले, क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हमले को? इस हवाले से आईजी पंजाब जो यहाँ से यहाँ पर आए थे वो अपनी गाड़ी के अंदर थे और उन्होंने बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए, बन के वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले और जो है वो तकरीबन बस उन्होंने सूरत हाल देखी, अपने पुलिस जवानों को देखा कहाँ कहाँ कितने कितने पुलिस मौजूद है और यहाँ से चले गए। पुलिस से हमारी जब हमारी बात यहाँ पर हो रही है तो उनका ये कहना है कि हमें ऊपर से ये ऑर्डर दिए गए हैं कि किसी को अंदर जाने नहीं देना, किसी को इस एरिए के अंदर आने नहीं देना, तो हम अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। पुलिस का सिर्फ ये कहना है। इस हवाले से मजीद कुछ भी कहना पुलिस कह रही है कि हम नहीं बता सकते। दीगर जो यहाँ पर पंजाब असेंबली के मुलाजमीन हैं वो भी बाहर मौजूद हैं, अगर अमला अंदर मौजूद नहीं तो इजलास कैसे जो है वक्त पर शुरू किया जा सकेगा। यहाँ पर इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। कोई भी ना तो मुस्लिम लीग नवाज से दीगर जमातों से कोई भी जो मेम्बरान हैं वो भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे। तकरीबन 2 घंटे का वक्त अभी मजीद भी है, तो अगर 11 बजे का वक्त है तो 11 बजे से पहले हो सकता है यहाँ पर कोई पहुँचे। तमाम सूरत हाल खासी कशीदा है और आज इजलास का होना जो है वो अब इस कशीदगी के अंदर जो है वो खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी ठीक है जुनेद, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।